नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अभी एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में दूसरे चरण का मतदान हुआ शुरू। बिहार में अब 6 महीने से अधिक समय तक जेल में रहने वाले नहीं बन पाएंगे मुखिया। के पाठक ने शिक्षकों के बाद अब इन कर्मियों के वेतन पर लगाया रोक। पटना में हुए अगलगी कांड के बाद सभी प्रमुख जगहों पर होगी फायर सेफ्टी की जांच। आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद को 35 रनों से दी मात। प्लेऑफ में पहुंचना हुआ संभव। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में दूसरे चरण का मतदान हुआ शुरू। बिहार में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका में मतदान जारी है। लोग सुबह से ही मतदान केंद्रों में पहुंच गए। पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी कतार देखने को मिली है। आपको बता दें कि बिहार में 5 सीटों के लिए 9,322 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन पर कंट्रोल रूम के जरिए नजर रखी जा रही है। मतदान के दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने बूथ पर कैमरे लगाए हैं। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। सभी 5 लोकसभा क्षेत्र में 50 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। हाईकोर्ट ने पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों पर लगाया जुर्माना। पटना हाईकोर्ट ने पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है। अदालती आदेश की अवमानना से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए पूर्व मध्य रेलवे के 2 पदाधिकारियों पर 5,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। जस्टिस पीबी बजंत्री की खंडपीठ ने खगौल लेबर कोऑपरेटिव की अवमानना याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने रेलवे की अगली सुनवाई से पहले इस राशि को याचिकाकर्ताओं को देने का आदेश दिया है। वहीं कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि अगर अदालती आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित होकर अवमानना की कार्रवाई का सामना करना होगा। बिहार में अब 6 महीने से अधिक समय तक जेल में रहने वाले नहीं बन पाएंगे मुखिया। बिहार में अब 6 महीने से अधिक समय तक जेल में रहने वाले लोग मुखिया और सरपंच नहीं बन पाएंगे। ऐसे लोगों को पंचायत चुनाव से वंचित रखा जाएगा। पंचायती राज विभाग ने इसे लेकर पत्र लिखा। आपको बता दें कि जहानाबाद के जिलाधिकारी ने इस संबंध में पंचायती राज विभाग से मार्गदर्शन मांगा था और इसके जवाब में पंचायती राज विभाग ने जहानाबाद के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जानकारी दी और इसमें कहा गया है कि 6 महीने से अधिक समय तक जेल में रहकर सजा काट चुका व्यक्ति पंचायत प्रतिनिधि या ग्राम पंचायत के तहत किसी वार्ड सचिव का चुनाव नहीं लड़ सकता है। के पाठक ने शिक्षकों के बाद अब इन कर्मियों के वेतन पर लगाई रोक। शिक्षा विभाग के निर्देशों के बाद अब बिहार में अलग अलग स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में निरीक्षण में लापरवाही बरतने को लेकर और आदेश की अवहेलना के मामले में समस्तीपुर के 12 प्रखंड परियोजना प्रबंधक केआरपी और बीआरपी के एक दिन के वेतन में कटौती हुई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस संबंध में जानकारी दी है। के पाठक के आदेश के बाद ये कार्रवाई हुई। आपको बता दें कि स्कूल निरीक्षण आदेश की अवहेलना करने पर 12 अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटा गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर दें। डीजीपी को फर्जी कॉल करने के मामले में तत्कालीन आईपीएस के खिलाफ आरोप तय। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर बिहार के डीजीपी को फर्जी कॉल करने के मामले में आरोपित तत्कालीन आईपीएस के खिलाफ आर्थिक अपराध मामलों की विशेष अदालत ने आरोप तय किया है। तत्कालीन आईपीएस के खिलाफ अदालत ने आरोपों को पढ़कर सुनाया है और उसके बाद आरोपित ने अपने आरोपों से इनकार किया है। मालूम हो कि आरोपित को जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया और इस मामले में फर्जी कॉल करने वाले आईपीएस सहित 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया है। तत्कालीन आईपीएस के खिलाफ आरोप पत्र हो गया है। बिहार के इस विश्वविद्यालय के कॉलेजों और संस्थानों में बढ़ी आवेदन तिथि। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय ने निजी कॉलेजों और संस्थानों में आवेदन की तिथि को करीब 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। कुलसचिव डॉक्टर शंकर कुमार ने इस संबंध में सभी कॉलेज और संस्थान को पत्र जारी कर जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि विश्वविद्यालय के आदेश के बाद कुछ संस्थानों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी और संस्थानों की ओर से इसके लिए समय भी मांगा गया था। वहीं अब ऑनलाइन आवेदन की तिथि को 3 मई तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है। आवेदन पत्रों को सभी संलग्नकों के साथ सभी हार्ड कॉपी 6 मई की शाम 6 बजे तक विश्वविद्यालय में जमा करने का आदेश है। बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश ने पटना के महावीर मंदिर में की पूजा।
बॉलीवुड एक्टर मशहूर गायक नील नितिन मुकेश अपने परिवार के साथ राजधानी पटना के रेलवे स्टेशन पर स्थित महावीर मंदिर में पहुंचे। इस दौरान मंदिर के अधीक्षक ने उनका स्वागत किया। मालूम हो कि नील नितिन मुकेश के साथ उनकी पत्नी रुक्मणी और उनकी बेटी नूरवी ने पूजा अर्चना की है। करीब आधे घंटे तक इनका परिवार मंदिर में रुका रहा। इन्होंने मंदिर के दक्षिण पूर्वी कोने पर स्थित शनि भगवान, सरस्वती माता, राम, सीता और सत्यनारायण भगवान के दर्शन किए। इन्होंने हनुमान जी को रामनामा अंग वस्त्र भेंट भी किया। दो देशों की नागरिकता के साथ एक व्यक्ति भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। बॉर्डर पर सख्ती से निगरानी रखी जा रही है। इसी कड़ी में भारत नेपाल के रक्सौल बॉर्डर पर पुलिस ने एक व्यक्ति को दो देशों की नागरिकता के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस व्यक्ति को जांच के बाद गिरफ्तार किया। व्यक्ति के पास से भारत और नेपाल दोनों देशों के पहचान पत्र को बरामद किया गया है। भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल बॉर्डर के पास SSB और इमिग्रेशन विभाग ने एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया। इसके पास से भारत की नागरिकता भी जब्त की गई है, साथ ही कुछ कागजात बरामद हुए हैं। फिलहाल इस युवक को हरैया पुलिस के हवाले किया गया है। पटना में हुए अगलगी कांड के बाद सभी प्रमुख जगहों पर होगी फायर सेफ्टी की जांच। राजधानी पटना के पाल होटल में भीषण अगलगी की घटना सामने आई। इस अगलगी में 6 लोगों की जान चली गई, वहीं कई लोग जख्मी हो गए। इसके बाद अब सभी प्रमुख जगहों पर आग से बचने को लेकर इंतजाम के आदेश है। जिलाधिकारी ने इसके लिए 3 अधिकारियों की टीम को नियुक्त किया है। इसमें अनुमंडल अधिकारी, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण अधिकारी और अनुमंडलीय अग्निशमन अधिकारी शामिल है। ये अस्पताल, सरकारी कार्यालय, होटल, लाइन होटल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, घनी आबादी वाले बाजार, रेस्टोरेंट आदि जगहों पर फायर सेफ्टी की जांच करेंगे। बिहार में DLED संस्थानों में बढ़ी आवेदन की तिथि। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि BSEB ने DLED परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया है। बिहार बोर्ड ने यह जानकारी दी है कि DLED Phase 2 फेज के प्रशिक्षण सत्र 2023-25 के पहले साल और सत्र 2022-24 के दूसरे साल की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने और शुल्क जमा करने की तिथि पहले 25 मार्च तय थी, लेकिन छात्र और छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए विलंब शुल्क के साथ 29 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है। वहीं अगर अंतिम विस्तारित अवधि में विद्यार्थी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं करते तो उन्हें एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले मुंगेर में मना दीपोत्सव। पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले मुंगेर में दीपोत्सव मनाया गया। भाजपा के नेताओं के द्वारा शहर की कई जगहों पर दीपोत्सव मनाया गया। इस दौरान मुंगेर के विधायक ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी देश को विकसित बनाने की गारंटी है। इस वजह से उनके आने पर हम सभी जगहों पर दीपोत्सव मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सर्वमान्य नेता है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मोदी के आगमन की खुशी में शहर में जगह जगह दीप जलाए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में मनोज तिवारी काराकाट में करेंगे चुनाव प्रचार। रोहतास की काराकाट लोकसभा सीट से भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और उसके बाद भाजपा सांसद और भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी NDA के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। बताया जाता है कि पवन सिंह के रोड शो में उमड़ी भीड़ के बाद NDA के द्वारा ये फैसला लिया गया। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के नेता है और ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए काराकाट आ सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह को लेकर कहा है कि सामाजिक सरोकार से जुड़े व्यक्ति का राजनीति में स्वागत है, लेकिन फिल्म अभिनेता हो जाने से समाज का समर्थन मिल जाए ये जरूरी नहीं है। किशनगंज में ओवैसी सहित कई AIMIM नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज। बिहार में दूसरे चरण का मतदान जारी है, इसमें किशनगंज की लोकसभा सीट भी शामिल है। वहीं दूसरी ओर ओवैसी सहित कई AIMIM पार्टी के नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर जावेद आजाद ने इनके खिलाफ टाउन थाने में मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि सोशल मीडिया पर AIMIM के प्रत्याशी को समर्थन को लेकर सोशल मीडिया पर फर्जी प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया और इसे लेकर कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर जावेद ने मामला दर्ज कराया। साथ ही बताया है कि साजिश के तहत एक पोस्ट को वायरल कराया गया, इसका मकसद उन्हें हराना है। अजीत शर्मा, पप्पू यादव, बीमा भारती सहित कई नेताओं ने किया मतदान। बिहार में दूसरे चरण का मतदान जारी है, ऐसे में कई नेताओं ने अपना मत अधिकार का प्रयोग किया है। कटिहार में कांग्रेस के प्रत्याशी तारिक अनवर ने मतदान किया, उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही। इधर पूर्णिया से राजद प्रत्याशी बीमा भारती और निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने मतदान किया है। पूर्णिया में NDA के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा ने भी वोटिंग की है। भागलपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत शर्मा ने अपने परिवार के साथ वोट डाला।
अजीत शर्मा के साथ उनकी बेटी और बॉलीवुड की एक्ट्रेस नेहा शर्मा मौजूद रही। नेहा शर्मा ने अपनी माता और पिता के साथ मतदान किया है। आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद को 35 रनों से दिमाग प्लेऑफ में पहुंचना हुआ संभव। आईपीएल 2024 के 41वें मैच में आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद को 35 रनों से हरा दिया और इसी के साथ आरसीबी ने ठीक एक महीने के बाद टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत हासिल की है। आपको बता दें कि आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी की थी और साथ ही निर्धारित ओवर में 7 विकेट खोकर 206 रन बनाए। वहीं हैदराबाद की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 171 रन बना सकी। आरसीबी की ये दूसरी जीत रही। आपको बता दें कि आरसीबी के पास प्लेऑफ में जगह बनाने का मौका है। आरसीबी के पास 5 मैच बचे हैं, सभी मैच जीतने पर आरसीबी के 14 अंक होंगे। नतीजे के पक्ष में रहने पर आरसीबी चौथे प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है सदुल्ला पालवी, मोहम्मद शकीर हुसैन, उमेश ऋषिदेव, संजीव कुमार, नंद किशोर सिंह, बाबूलाल मरांडी, नीतीश कुमार, रवि कुमार राम, अमन कुमार, मिथिलेश कुमार, रंजीत मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है कि आपने कौन से लोकसभा सीट से मतदान किया है और अगर वोटिंग नहीं की है तो कौन से लोकसभा सीट से आप मतदान करने वाले हैं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।